झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आज खेमी शक्ति मंदिर में संचालित आशा का झरना स्कूल का निरीक्षण किया। इस स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर अच्छा लगा कि जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक से पेन भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, उन बच्चों को समाज के साथ जोड़ने के लिए शिक्षा दी जा रही है। ऐसे प्रयासों को बढ़ावा की ज़रूरत है। वे आह्वान करेंगी कि इस तरह की स्कूलें और प्रयास और अधिक हो। आज आशा का झरना स्कूल का निरीक्षण किया गया, देखा और बच्चों से बात की। ये ऐसे बच्चे हैं जिसमें से बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से विमंडित हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक से पेंसिल और कलम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। इन लोगों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाकर और अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनाने की जो कोशिश है, ये सराहनीय है। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए भी और समाज के लिए भी ये अच्छा नागरिक बना रहे हैं, उसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं।